A group of friends once visited their old university professor. As they sat down, the conversation quickly turned to complaints about stress and tension in life. The professor offered to make coffee for them and returned from the kitchen with a tray filled with different kinds of cups. Some were glass cups, others were made of crystal, some were shining and elegant, while others were plain, ordinary, and inexpensive. When everyone had chosen a cup, the professor said, If you noticed, all the nice-looking, expensive cups were taken first, leaving behind the ordinary ones. But the reality is, all of you only needed coffee, not the cup. Yet you went for the best-looking cups. जिस तरह हम अक्सर महंगी और सुंदर चीजें लेना पसंद करते हैं चाहे असल में उनकी जरूरत ना हो आप देखें जब हम बाजार जाते हैं अक्सर हम महंगी चीज इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो दूसरों को इंप्रेस करे हलन के काम तो वही सस्ती चीज भी कर सकती है हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है द प्रोफेसर कंटिन्यूड वॉट यू रियली वॉन्टेड वॉज कॉफी द ड्रिंक नॉट द कप द कप इज जस्ट अ वेसल टू होल्ड द कॉफी इफ लाइफ इज कॉफी देन जॉब्स मनी स्टेटस एंड लव आर द कप्स दे आर जस्ट टूल्स टू होल्ड एंड कंटेन लाइफ बट वी फोकस सो मच ऑन द कॉप दैट वी मिस द कॉफी इट्स सेल्फ जिस तरह हम अपनी गाड़ी घर या स्टेटस पार ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन असल में सुकून और खुशी टू अंदर से आती है अगर हम अपना ज्यादा वक्त इन चीजों को हासिल करने में लगाएंगे तो जिंदगी का असल मजा नहीं ले पाएंगे ही कंक्लूडेड बाय सेन सो डोंट लेट द काफ्स ड्राइव यू एंजॉय द कॉफी फोकस ऑन द एसेंस ऑफ लाइफ रादर देन इट्स कंटेनर्स जिंदगी का असल मकसद खुशी और सुकून है जो हमारे रिश्ते दोस्ती और एंड की खुशी से मिलती है दुनिया के चमक दमक में इतना खो ना जाए कि जिंदगी का असल मकसद भूल जाए